load cell. So with the help of load cell, we can measure our force, right? So these are the five different types, and with the help of all these five, we can measure five different physical values. Okay, now moving forward with our force sensor, that is piezometer. अब हमें इन पांचों के बारे में कैसे वर्क करता है, क्या है, सभी चीज इसके बारे में हमें पढ़नी है. ओके, सो द फर्स्ट वन दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज पीजोमीटर. नाउ व्हाट इज पीजोमीटर? वी नो दैट विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ आवर फ्लूइड प्रेशर और लिक्विड प्रेशर. ओके, नाउ इफ यू सी इट्स कंस्ट्रक्शन, क्या होता है पीजोमीटर में, तो सिंपली पीजोमीटर इज वन टाइप ऑफ ग्लास ट्यूब, राइट? वी कैन से ग्लास ट्यूब, और इट्स अ सिंपली ये जो इतना पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज योर पीजोमीटर. ओके, नाउ सी हाउ इट वर्क्स. अब यहाँ पे हम कैसे हमारे प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. तो सपोज वी आर डीलिंग विद दिस पाइप विच हैज सम लिक्विड इन इट, राइट? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस पर्टिकुलर थिंग इट इज अ पाइप एंड वी आर हैविंग लिक्विड इन दिस फिल्ड इन दिस पर्टिकुलर पाइप. नाउ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई वॉन्ट टू मेजर कि कितना प्रेशर यहाँ पे लिक्विड का है, राइट? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट लिक्विड का प्रेशर कितना है वो हमें मेजर करना है. सो हाउ वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर? Simply, piezometer जैसे देखा, it is a glass tube, right? At दो end होंगे इस glass tube के, the one end is connected at the point at which we want to measure the pressure. मतलब यहाँ पे एक end हमने यहाँ पे connect किया, जहाँ पे भी हमें pressure measure करना है, at that particular end we have connected our piezometer, and the another end is kept open, right? यहाँ पे आपका एट एटमोस्फियर, द अनदर एंड इज केप्ट ओपन टू द एटमोस्फियर. नाउ कैसे वर्क करेगा ये? सबसे पहले इसको हम कैसे इंसर्ट करेंगे, कहाँ पे रखेंगे, वो हमने यहाँ पे देख लिया, राइट? व्हाट इज पीजोमीटर वो देखा, कैसे हमें जिस पॉइंट पे हमें प्रेशर मेजर करना है वहां पे वी आर इंसर्टिंग अ पीजोमीटर एंड द अनदर एंड इज केप्ट ओपन. नाउ how it works, as soon as I connect this piezometer in this particular pipe, right? हमें जहाँ पे भी pressure measure करना है, वहाँ पे जैसे ही मैंने piezometer enter किया, what happens कि initially my piezometer was glass tube थी, खाली glass tube थी, right? As soon as I connect or as soon as I insert my piezometer at this particular point, what happens is your liquid will fill up to certain height, right? जैसे ही मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, लिक्विड फिलअप हो गया, राइट? यू कैन सी दैट अप टू सर्टेन हाइट आपका जो भी लिक्विड था, पाइप में से जा रहा था, पाइप में था, वो लिक्विड आपके पीजोमीटर में अंदर फिलअप हो गया अप टू सर्टेन हाइट. हियर इट इज रिटन एच, राइट? सो ये हाइट की, ये कितने लेवल तक लिक्विड फिलअप होगा, दैट विल डिपेंड्स ऑन कि यहाँ पे आपका कितना प्रेशर है. If I am having low pressure, तो instead of this height, वो यहाँ तक ही fill होता. और अगर इसका pressure ज्यादा होता, तो instead of this, वो यहाँ तक भी fill हो सकता था, right? So based on your pressure, pressure कितना है, उसके हिसाब से आपका liquid in this piezometer tube वो वहाँ पे fill up हो जाएगा. And then using some mathematical calculations, we'll be finding कि यहाँ पे हमारा pipe में कितना pressure है. Right, so first of all using piezometer we'll be getting the value of this h, right? Ki kitne height tak aapka liquid fill ho raha hai, and then using that values and using and doing some mathematical calculations we can easily find out ki is pipe mein pressure kitna hai. But you can see that it's the simplest device to measure your value of pressure, right? Hame kya karna hai, simply we have to insert our piezometer tube at whatever point we want to measure our pressure, right? वहाँ पे हम insert करेंगे. After inserting, as soon as I insert my tube, क्या होगा? Your liquid will fill up to certain height, right? यहाँ पे up to certain height तक वो fill up हो जाएगा, and वो कितनी height है, that particular height will be measuring, right? वो हम measure करेंगे, and then using some formulas, using some calculations, we can find out कि यहाँ पे at this particular point हमारा pressure कितना है, राइट? सबको पता चला व्हाट इज पीजोमीटर, कैसे वर्क करता है. इज एनीवन हैविंग एनी डाउट इन पीजोमीटर?
Okay. See, now I'll be showing you one video. Here, first of all, I'll be showing you कि actually आपका piezometer work कैसे करता है. And then we'll be seeing some of the limitations, right? हमने piezometer देख लिया, but there are certain limitations in using piezometer. Okay. So fine, I'll be showing you one video. Just a second. There are many devices to measure the blood pressure. Right? Piezometer is one of those pressure measuring devices, which is really much more simpler than any other. Piezometer is mostly used in the process industries to measure the pressure of the liquid fluid. Not able to listen. Sorry. Sambara tu nahi. ओके मैं साथ साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ. सी यू कैन आइदर यूज इन इंडस्ट्रीज, राइट? इंडस्ट्रीज में अगर हमें प्रेशर मेजर करना है, देन आल्सो वी कैन यूज दिस पीजोमीटर. और इफ वी वांट टू मेजर द प्रेशर बीनेट द ग्राउंड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर ग्राउंड प्रेशर क्या है, फॉर दैट आल्सो वी कैन यूज आवर पीजोमीटर. Right, as I told you that it is a simple एक glass tube है. And the other end of this tube is kept open in the atmosphere. Right, the one end जहाँ से हमें one end is connected at that this point, this end is connected from where we want to measure the pressure, and the another end is kept open to the atmosphere. Say for instance, liquid fluid with density rho kg per meter cube is flowing through this pipe. Now here we are assuming that we are having one main pipe. From here, a fluid is flowing which is having a density rho, right? I would like to measure the pressure of this fluid at this section using piezometer. So we simply need to drill a small hole at this section and attach the piezometer such that it touches the fluid. Right. Agar mujhe at this particular section, if I want to measure the pressure, the only thing we have to do is we have to simply drill a hole and we have to insert our piezometer tube for that place. Now see, after yahan pe jaise insert kiya, just see ki kaise up to certain height your liquid will be filled up in this particular piezometer. Due to pressure within the pipe, the water will enter the piezometer. And finally, will attain a particular height. Say as right, because of यहाँ पे आपके जो आपका liquid flow हो रहा है, and वहाँ पे we are having some pressure, or because of that pressure, आपका जो भी liquid है, it will enter in your this particular piezometer tube, and it will go up to certain height, and that height will be decided कि कितना यहाँ पे pressure है, उसके हिसाब से ये height वो decide होगी. The side view of this arrangement looks like this. The level of fluid in the piezometer is directly proportional on the pressure of the fluid inside the pipe. Fine. So, ये level कितना height हो रहा है, that is directly, it will be directly proportional कि यहाँ पे आपके pipe में कितना pressure है. जितना pressure होगा अपना उतना ही वहाँ पे up to that particular height वो उतना fill up होगा. Level of fluid in the piezometer. Our objective here is to find the pressure of fluid within the pipe. Say at the point A. Let us mark a couple of important points, point B and point C. Now, points A and B are located on the same horizontal line, and both these points can be connected by a continuous line being in the same fluid, and therefore, pressure at point A is equal to pressure at point B. Now, we'll be doing, हमें H की value मिल गई, but we are concerned with कि हमें pressure कितना है वो find करना है, right? So see how we are doing mathematical calculations. We are using different formulas to find the value of pressure at point A. Here we have considered three points. A point पे हमें pressure measure करना है. We can see that A and B are at the same level, so we'll be having both the values at point A and point B. We'll be having same pressure, and the point C is
kept at the open end, or we can say at point C, will be having atmospheric pressure. Can we apply hydrostatic law between points B and point C? Yes, we can. This is because the fluid between B and C is in static condition and not moving. So as per the law, pressure at lower altitude point equals to pressure at... Now, hydrostatic law is what for a static fluid, right? You can see that B and C pe we are having static fluid. In dono ke beech mein koi flow nahi ho raha, right? So we are applying hydrostatic flow between point B and point C, and using that law we are having this particular formula. Kaun si formula hai? That pressure at low altitude point, that is B, is equal to pressure at your high altitude point plus rho gh. Okay, what is rho? Jo humne aage dekha, that is your fluid density. G, that is your gravitational acceleration, and h, that is jo hume yahan pe height ki value mil rahi hai wo. Higher altitude point plus VGH. Now, point B is relatively at lower altitude. So, PB is equal to PC plus rho GH, where rho is the density of the fluid filled between point B and C, which is the same fluid that is flowing in a pipe. G is the gravitational acceleration. H is the vertical distance between B and C. Also, we know that pressure at point C is atmospheric pressure, since it is exposed to the open atmosphere. So this equation finally becomes PB equals to PABM plus UGH. Now you can see that we know PC, again it is connected to a, it is a open to air, or we can say that at point C will be having atmospheric pressure. So we know all these values, हमें सभी values पता है. We know the value of PATM, that is atmospheric pressure. We know the value of density, right? हमारा जो भी liquid fluid flow है उसकी हमें density पता होगी. We know the value of G, gravitational constant, and we know यहाँ पे from this pipe with the help of piezometer we can find the value of H. So here we know all these values, and by simply placing all this value we'll be getting the value of PB. And at this point we have seen that pressure at A and pressure at B are same. So we can simply write that PA is equals to PB. From equation number one, we know that PA equals to PB, and therefore PA is also equal to PADM plus UGH. Right, so this is our final formula. We can, with the help of this formula, we can find the pressure at this particular, any of particular point, right? If I want to find at PA, so I'm using this formula to find the pressure at that point. So with the help of piezometer, we'll be getting the value of H. H ki value milegi, and using that value and using this formula, we can find out the value of pressure at that particular point. Okay. The pressure at point A can be calculated using this equation. Understanding, do you think we can use the piezometer to measure the pressure of a gaseous fluid flowing? Now, see. Still, we have till now we have seen that we can measure the pressure of any fluid using piezometer. Now the next question over here is, can we measure the pressure of gas flowing through this particular pipe? Can anyone tell me, can we measure the pressure of gas which is flowing through this pipe? Anyone? See, go to this video. Just imagine that a gaseous fluid is flowing through a pipe and you have inserted a piezometer to measure the pressure. Can you measure it? The answer is no. We cannot. Right? If हमें fluid का measure करना है, then piezometer we can measure it. But if we want to measure the pressure of gas flowing through any pipe, we cannot measure it. Why? Because the one end of your piezometer is kept open, and as soon as you insert your piezometer at that particular point, यहाँ पे आपका gas will come out from that open end, and we cannot measure the pressure of gas flowing through that particular pipe. Measure the pressure of gaseous fluid, because gas does not have a free surface, so you will not be able to find out height of gas column in the piezometer tube. So this is one of the limitations of using piezometer. That piezometer cannot be used to measure the pressure of gaseous fluid. Right, so the first limitation is we cannot measure
the pressure of gaseous fluid using piezometer. Now moving forward to the next limitation. It can only be used to measure the pressure of liquid fluids going through a pipe. My second question to you is, what if the pressure that you would like to measure at a point in a pipe is lower than the atmospheric pressure? Can you use piezometer to measure that pressure? See, now the next question is, next thing is कि अगर यहाँ पे पाइप में से जो लिक्विड फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इफ द प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? अगर यहाँ पे जो भी प्रेशर फ्लो हो रहा है, अगर मुझे उसका प्रेशर अगर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, देन वी कैन मेजर इट और नॉट. द मोमेंट यू ड्रिल अ होल एंड अटैच अ पाइपोमीटर ट्यूब, इंस्टेड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट एंड गेट फिल्ड इनटू पाइपोमीटर, फाइन. अगर इन दिस पाइप अगर हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है एंड देन वी आर यूजिंग पीजोमीटर टू मेजर इट प्रेशर, सो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे जो आपका लिक्विड फिलअप हो रहा था वो फिलअप नहीं होगा. वाई? बिकॉज उसका प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज्यादा है. सो इंस्टेड ऑफ लिक्विड फिल हो रहा है उसकी जगह पे क्या होगा, एयर विल कम इन दिस पाइप, राइट? आपकी एयर जो है वो आपके पाइप में आ जाएगी और लिक्विड फिलअप नहीं होगा. Atmospheric air will get into the main pipe through piezometer since the pressure within the pipe is less than atmospheric. So this is another limitation where piezometer cannot be used to measure the pressure which is lower than atmospheric pressure. राइट. सो द सेकेंड लिमिटेशन इज इफ द प्रेशर ऑफ दिस पाइप जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है वो हमारे एटमोस्फेरिक प्रेशर से अगर कम होगा देन ऑल्सो वी कैन नॉट यूज अवर पीजोमीटर. डू यू थिंक दैट द पीजोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर वेरी हाई वैल्यू ऑफ प्रेशर? सी, इफ द प्रेशर विद इन द पाइप इज वेरी हाई देन द फ्लूइड कॉलम इन द पीजोमीटर विल ऑल्सो बी वेरी हाई. And to accommodate such a high column of fluid, piezometer tube should also be significantly long. Right. So the third limitation is up to certain level. अगर pressure की value बहुत ज्यादा है, then using piezometer we cannot measure. Why? Because piezometer में क्या होता है कि आपका जो भी liquid है वो up to certain height तक fill हो जाता है. अगर pressure की value ज्यादा है तो we require a very high column, right? हमें एक बहुत बड़ा glass tube चाहिए. बट थिंकिंग प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? अगर हम प्रैक्टिकली देखने जाएंगे तो इतना बड़ा इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज दैट लॉन्ग ग्लास ट्यूब, राइट? सो इफ वी आर हैविंग वेरी हाई प्रेशर, अगर हमें हाई प्रेशर की वैल्यू मेजर करनी है देन ऑल्सो यूजिंग पीजोमीटर वी कैन नॉट यूज दैट. So this is the third limitation of piezometer, that piezometer is not advisable to use where the pressure values are very high. Right. So these are the three basic limitation of piezometer. Ki agar if we want to measure gaseous fluid, then we cannot use a piezometer. The second limitation is if the pressure jo hume measure karna hai, it is lower than atmospheric pressure, we cannot measure it. Why? Because agar wo pressure kam hai atmospheric pressure se, तो इंस्टेड ऑफ लिक्विड जो आपका फिल हो रहा था उसकी जगह पे आपकी एयर विल कम इनटू द मेन पाइप. एंड द लास्ट वन दैट इज द लास्ट लिमिटेशन दैट इज इफ वी वांट टू मेजर वेरी हाई वैल्यू ऑफ प्रेशर देन यूजिंग पीजोमीटर इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज प्रैक्टिकली वी कैन सी दैट हम इतनी बड़ी ग्लास ट्यूब नहीं कर सकते, राइट? इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज पीजोमीटर व्हेनेवर वी वांट टू मेजर वेरी हाई वैल्यू ऑफ प्रेशर. ओके. सो एवरीवन, सबको अब ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पीजोमीटर. सो विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर वी कैन मेजर द फ्लूइड प्रेशर. हाउ इट वर्क्स, राइट? वर्किंग कैसा? इट इज अ सिंपल, सबसे बेसिक सिंपल डिवाइस है पीजोमीटर. हियर विद द हेल्प ऑफ वन ग्लास ट्यूब ओनली वी आर मेजरिंग, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एच. देन डूइंग सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन वी आर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ प्रेशर, दैट इज PA at any particular point if you want to find the pressure, that is equals to atmospheric pressure plus rho g h, right? What is rho? That is fluid density. What is g? That is gravitational acceleration. And what is h? That is jo hume value hamari piezometer mein mil rahi hai wo, right? So using that mathematical calculation we can find the value of our pressure. Then we have seen what are the limitations of our piezometer, right? Now the next thing we are going to concern
दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीजोमीटर. हमें पीजोमीटर क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या लिमिटेशन है, वो सब हमने देख लिया. देन हियर विल बी स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीजोमीटर. अब यहाँ पे सी, अब तक जो था दैट इज बेसिक पीजोमीटर, दैट वॉज ऑफ यूनिट वन. मेनली अब पीजोमीटर क्या है, कैसे करना है, वो यूनिट थ्री में है. बट यहाँ पे मैं एक साथ ही दोनों कंबाइन कर रही हूँ, बिकॉज एक साथ अगर हम फ्लो में चलेंगे, अगर हमने पीजोमीटर पढ़ लिया है तो उसके बारे में थोड़ा डीप में यहीं पे पढ़ लेते हैं, राइट. सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स यूनिट वन एंड यूनिट थ्री विल बी गोइंग पैरेलल में. ओके, ऑल द फाइव सेंसर्स जो है उसके बारे में हमें बेसिक फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है, और उसके रिलेटेड हमें थर्ड यूनिट में पढ़ना है. तो यहाँ पे मैं दोनों साथ में पढ़ाऊंगी. ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीजोमीटर. सो वील बी हैविंग थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीजोमीटर, दैट इज स्टैंड पाइप, न्यूमैटिक एंड वाइब्रेटिंग वायर. अब आउट ऑफ दिस थ्री, द फर्स्ट टू दैट इज स्टैंड पाइप एंड न्यूमैटिक, एज पर इस कंस्ट्रक्शन अगर हम उसका देखने जाए, इट इज सिंपल, इट इज रोबस्ट एंड इट इज इनएक्सपेंसिव, राइट. स्टैंड पाइप एंड न्यूमैटिक आर सिंपल, रोबस्ट एंड इनएक्सपेंसिव, बट इट रिक्वायर्स सम मेजरमेंट, हैंड ऑन मेजरमेंट. मीन्स इट रिक्वायर्स सम फिजिकली, वहां पे कोई बंदा चाहिए जो हमें रीडिंग लेके दे. वेयर एज इन वाइब्रेटिंग वायर इट इज कंपेरेटिवली इट इज कॉम्प्लिकेटेड.